सो हेई हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, सर OB30 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर और भी दो नया कैरेक्टर आने वाला है, जिनमें से गाइस एक कैरेक्टर आप लोगों को डैमेज लगने के बाद ऑटोमेटिक 30 HP प्लस करके दे देगा। तो ये कैरेक्टर का मैं आप लोगों को एबिलिटी टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। साथ में हमारे गेम के अंदर और एक न्यू पेट आने वाला है, तो पेट का काम क्या होगा एंड कैसे काम करेगा, ये सब कुछ का एबिलिटी टेस्ट करके मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। उसके पहले के साथ जो लोग भी चैनल पर पहली बार नए आ रहे हो ना, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो पसंद है जरूर लाइक कर देना एंड इस वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए कि आज का वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस, सर सबसे पहले हम लोग जिस कैरेक्टर का एबिलिटी टेस्ट करने वाला है, इसका नाम है बजर बीटर। तो बहुत ही अच्छा खासा कैरेक्टर है एंड इसका जो स्किल है सर पैसिव पे रखा गया है, तो आप लोग इजीली कोई भी कैरेक्टर पे यूज कर सकते हैं। तो इसका जो एबिलिटी है गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे, लेवल 1 पे 5 HP प्लस करके देगा, लेवल 2 पे 10, लेवल 3 पे 15 एंड लेवल 4 पे 20, लेवल 5 पे 25 एंड लेवल 6 पे 30% HP आप लोगों को प्लस दे देगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे गाइस चलिए हम लोग इसको लेवल अप कर लेते हैं एंड लेवल मैक्स करके देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे देख पा रहे कार्ड वगैरह मिला एंड हम लोगों को यहाँ पे बैनर अवतार भी मिल जाएगा इस कैरेक्टर के साथ। सो गाइस, ये जो कैरेक्टर है आप लोगों को HP प्लस करेगा तभी जब कोई एनिमी आपको डैमेज देगा। तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, चलिए मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे सामने हमारा एनिमी एक देख पा रहे, तो जब तक ये मुझे डैमेज नहीं देगा तब तक मेरा HP प्लस नहीं होगा। तो HP प्लस होने के लिए आप लोगों को डैमेज खाना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे मेरा जो HP है वो 30% तक प्लस हो गया है। तो इसका सिंपल सा रूल है गाइस, आपको एनिमी जब डैमेज देगा तभी आपका HP प्लस होगा। तो देख पा रहे सामने वाला एनिमी मुझे डैमेज दिया थोड़ा सा, मैंने इसको मार दिया तभी जाके गाइस मेरा जो यहाँ पे HP है वो प्लस हो रहा है धीरे धीरे करके। एंड गाइस यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट करके रख लो, ये कैरेक्टर स्किल पैसिव है एंड जब तक आपको कोई एनिमी डैमेज नहीं देगा तब तक ये स्किल काम नहीं करेगा, आपको कोई HP नहीं मिलेगा। तो HP प्लस करने के लिए आप लोगों को डैमेज खाना जरूरी है। सो यहाँ पे गाइस आप लोगों को HP पाने के लिए डैमेज खाना जरूरी है, जब तक एनिमी आपको डैमेज नहीं देगा तब तक HP प्लस नहीं होगा। तो देख पा रहे गाइस रेड वाला ड्रेस यहाँ पे हमारा सिल्वर ड्रेस को मारा तो तभी जाके HP मिला। अभी मैं आप लोगों को फिर से क्लियरली दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे रेड वाला ड्रेस यहाँ पे सिल्वर को मारा, अभी गाइस कुछ देर वेट करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे जो HP है वो धीरे धीरे करके प्लस हो जाएगा। एंड यहाँ पे गाइस देख पा रहे हमारा जो HP है कितना ज़्यादा प्लस हो रहा है, आप लोग देख पा रहे बहुत ही ज़्यादा प्लस हो गया, मतलब 30% HP प्लस हो गया है। तो ये कैरेक्टर बहुत ही अच्छा खासा होने वाला है एंड खास बात यही है कि ये पैसिव कैरेक्टर स्किल है, तो आप लोग कोई भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर के साथ इसे यूज कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आपके सामने वाला एनिमी भी सेम कैरेक्टर स्किल यूज कर रहे हैं एंड आपने उसे डैमेज दिया तो भाई यार सेम बात है, उसे भी सेम HP प्लस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपस में डैमेज डैमेज खेलते रहेंगे तो उसको भी HP मिलेगा, आपको भी HP प्लस मिल जाएगा। तो एक तरफ से ये कैरेक्टर थोड़ा अच्छा खासा है, दूसरी तरफ से थोड़ा सा मुसीबत भी लग सकता है। तो जिनके पास ये कैरेक्टर रहेगा वो लोग तो यार पूरा चिल मार के एनिमी को मारने आएंगे, बट जिनके पास नहीं होगा वो लोग तो थोड़ा सा परेशानी पर रहेंगे। सो आप लोगों को गाइस ये वाला कैरेक्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड कौन कौन लोग इस कैरेक्टर को जरूर बताना है भी। अभी गाइस हमारा दूसरा कैरेक्टर स्किल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है मेमोरी मिस्ट एंड इस कैरेक्टर का काम क्लू कैरेक्टर की तरह ही है। हाँ गाइस आप लोगों ने सही सुना, क्लू कैरेक्टर की तरह ही इसका स्किल है, मतलब जब भी आप लोग कोई भी इनिमी को मारेंगे तो उसका 50 मीटर एरिया में कोई भी अगर इनिमी रहेगा तो उसका लोकेशन आप लोगों को शो हो जाएगा। तो लेवल 6 पे इसका एरिया रहेगा 50 मीटर एंड लेवल 1 पे 25 मीटर रहेगा। तो लेवल के हिसाब से गाइस इसका जो एरिया होता है वो बड़ा हो जाएगा एंड इस कैरेक्टर का नाम है मेमोरी मिस्ट। अभी गाइस कैसे काम करते चले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो सबसे पहले गाइस आप लोग यहां पे देख पा रहे हमारा मेमोरी मिस्ट कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। तो कोई भी एनिमी को अगर आप लोग मारेंगे, कोई भी चाहे वो कोई भी स्क्वाड का एनिमी हो, तो देख पा रहे मैंने एक को नॉक कर दिया, तो इसको मारेंगे तो इसके 50 मीटर एरिया के अंदर आसपास जितने भी स्क्वाड या एनिमी रहेंगे उन सब का लोकेशन शो हो जाएगा। सो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका स्क्वाड का प्लेयर था, साथ में कोई थर्ड पार्टी भी स्क्वाड था तो उसका भी लोकेशन मुझे शो हो गया है। तो इस कैरेक्टर का एरिया टाइम है सिर्फ 50 मीटर तक, तो आप लोगों के 50 मीटर अंदर कोई भी एनिमी रहेगा तो आप लोगों को लोकेशन शो हो जाएगा एंड लोकेशन टाइम सिर्फ 2 या 3 सेकेंड के लिए ही रहता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। एंड ये जो कैरेक्टर इसके लिए पैसिव स्किल रखा गया है एंड आप लोगों को इसका
बेहतरीन इस्तेमाल देखने के लिए मिल जाएगा क्लास स्क्वाड में एंड रैंक पुशिंग में एंड गैस हमारा टूर्नामेंट पे। तो ये तीनों जगह पे गैस आप लोगों को इस कैरेक्टर का बहुत ही अच्छा खासा फायदा मिलेगा, क्योंकि इनमी का लोकेशन जानने के लिए गैस ये कैरेक्टर बहुत ही बेस्ट है। तो आप लोग कोई भी इनमी को डायरेक्टली मार देते हैं तो उसके 50 मीटर एरिया के अंदर ही सिर्फ आप लोगों को कोई भी इनमी का लोकेशन शो हो जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी गैस मैं आप लोगों को न्यू पेट का एबिलिटी टेस्ट करके दिखा देता हूं। तो इसका नाम है एजेंट होप एंड इसका एबिलिटी यही है कि गैस जब भी हमारा जोन छोटा होगा तभी ये पेट आपको 30 HP प्लस करके देगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा लाइफ भी बहुत ही कम है एंड जोन जो है गैस वो अभी धीरे धीरे करके श्रिंक हो रहा है, मतलब अभी तक शुरू नहीं हुआ। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा जोन है वो स्टार्ट हो गया है एंड आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एंड जोन स्टार्ट होने के साथ साथ गाइस देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा पेट है 30 EP प्लस करके दे दिया, ये HP नहीं गाइस EP प्लस करके दे दिया, मतलब मशरूम वाला लेवल। तो ये पेट जो है गाइस उतना खास एंड बढ़िया नहीं लगा, सिर्फ EP प्लस दे दिया। तो इस पेट के तो अच्छा है हमारा पांडा कम से कम HP प्लस करके देता है किल करने के बाद एंड वागर पेट भी बहुत ही अच्छा खासा है, कम से कम ग्लोवाल भी तो देता है। तो आप लोग इस नया पेट को कितना रेटिंग देना चाहोगे एंड कौन कौन यूज़ करना चाहोगे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो पेट एकदम से बढ़िया नहीं लगा। तो कुल मिलाकर गाइस दोनों कैरेक्टर के अंदर मुझे बजर बीटर कैरेक्टर बहुत ही सही लगा, क्योंकि हम लोग को डैमेज लगने के साथ साथ ये EP प्लस करके देगा, वो भी हर टाइम जब भी डैमेज लगेगा। तो आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर बेस्ट लगा ये कमेंट करके जरूर बताना एंड आज के लिए बस इतने ही अपडेट। आप लोगों को वीडियो कैसा लगे जरूर बताना एंड वीडियो पसंद है जरूर लाइक कर देना एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस आज के वीडियो पे खत्म करेंगे, तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।